फ्रेंड्स, टुडे इज 10th of April एंड अभी हमें रक्चम विलेज पे जितना सोचा था उससे भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है विलेज। एंड जस्ट लुक एट दिस व्यू, अल्टीमेट, ट्रूली अल्टीमेट। नीचे आप जो रिवर देख रहे हैं, ये है बासपा रिवर एंड ये पूरा जो वैली है इसको बासपा वैली कहते हैं। एंड रिजन चित्तूर, सांगला, रक्चम, ये सब आपका सांगला वैली के अंदर आता है। तो प्लान कुछ ऐसा है, आज हम पहले रक्चम एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करके चित्तूर के लिए निकलेंगे। वीडियो में बने रहिए और एंड तक वीडियो देखिए एंड एन्जॉय द व्यूज। अभी हम निकल चुके हैं रक्चम वैली एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज हमारा स्पीति वैली राइड का Day 3 है। फर्स्ट डे हम चंडीगढ़ से निकले थे और हमारा स्टे था सराहन पे, और Day 2 पे हम सराहन से निकले थे और कल पहुँचे इवनिंग को रक्चम विलेज पे। और आज हम रक्चम एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद चित्तूर जाएंगे और चित्तूर से वापस आएंगे रक्चम पे। तो मेरा सजेशन आप लोग से यही है कि अगर आपके पास 4-5 दिन का टाइम है, अगर आप किन्नौर वैली एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, हाँ, तो वन नाइट स्टे आप रक्चम को जरूर। हाँ, दिस इज मॉडर्न रक्चम विलेज एंड दिस इज कॉल्ड एज मिनी स्विट्जरलैंड। यहाँ का खूबसूरती बहुत मनमोहक है। तो देखिए बताना चाहता हूँ कि किन्नौर वैली इज फेमस फॉर इज सेलिक नेचुरल ब्यूटी, स्नो कैप माउंटेन्स, एप्पल ऑर्चर्ड्स एंड हिल स्टेशंस लाइक कल्पा, सांगला, चित्तूर। कि यहाँ के जो रोड्स है, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स है। बहुत सारे एडवेंचर लवर्स, एडवेंचर एंथुजियास्टिक लोग आते हैं यहाँ पे, जो स्पीति वैली का टूर करते हैं तो आपका सांगला वैली का भी टूर ऐड करते हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो ऑल अराउंड द ईयर आ सकते हैं, लेकिन मानसून के टाइम को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स वगैरह होती हैं बरसात के बाद, यहाँ का रोड्स बहुत ही लैंडस्लाइड प्रोन हो जाता है, तो आप अवॉइड कीजिए मानसून के टाइम।
हम पहुंच चुके हैं चितकुल विलेज, इंडिया का लास्ट विलेज, एंड ये 11,500 फीट की ऊंचाई पे है हिंदुस्तान का आरती ढाबा। और ये चितकुल का वन ऑफ दी मेन अट्रैक्शन है, फोटोग्राफी पॉइंट है। यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे फ़ोटो लेते हैं, और यहाँ का फोटोज बहुत ही वायरल है इंस्टाग्राम पे देख के या फिर यूट्यूब पे देख के। आप नज़ारे देखिए, चारों तरफ बस स्नो के माउंटेन्स, और इसमें देखिए ये बांसवा रिवर बैठा हुआ। धूप निकली है लेकिन यहाँ पे बहुत ठंड है, यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री है अभी। एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, अल्टीमेट व्यू है यहाँ पे। अभी हम पहुंच चुके हैं रक्षम पे हमारा होटल में। आज के लिए बस इतना ही, और कल का सफ़र बहुत लंबा होने वाला है, तो कल हम यहाँ से काजा पहुंचने वाले हैं जो कि 250 किलोमीटर के आसपास है। तो पहुंचते पहुंचते कल शाम को 7-8 बजे हो जाएंगे, तो आज हम रेस्ट करते हैं, कल आपको दिखाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। This is my first vlog. I will try to improve more in my future videos. So thank you and take care. तुम्हें क्या कहूँ।